Hallelujah, hallelujah. सांसों में तेरी सांसें हैं तेरी, तू ही बसा है आंखों में मेरी, सांसों में सांसें हैं तेरी, तू ही बसा है आंखों में मेरी, ओ आंखों को बंद कर लूं, ये तो तुझे जाने न दूं, ओ न जाने दूं, ये तो तुझे जाने न दूं, दिल की चाहत यही तमन्ना बस एक आरज़ू, दिल की चाहत यही तमन्ना बस एक आरज़ू, मेरे दिल की बस्ती में अब दिखे तू ही हर सू, मेरे दिल की बस्ती में बस दिखे तू ही हर सू, देखूं अब मैं जिधर पाऊं तुझको उधर, देखूं अब मैं जिधर पाऊं तुझको उधर, बस अब मैं तू और एक तू, ये तू तुझे जाने न दूं, ओ ना जाने दूं, ये तू तुझे जाने न दूं, आंखों को बंद कर लूं ये तू तुझे जाने न दूं, आंखों को बंद कर लूं ये तू तुझे जाने न दूं, आंखों को बंद कर लूं ये तू तुझे जाने न दूं, आंखों को बंद कर लूं ये तू तुझे जाने न दूं, 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 यस तुझे जाने न दूं, यस तुझे जाने न दूं, ना जाने दूं तुझको मैं, 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 ना जाने तू तुझको मैं, यीशु तुझे जाने ओ ना जाने तू, यीशु तुझे जाने ना जाने तू, यीशु तुझे जाने ना एक मिनट के लिए हम सब वाकई बात करें। हालेलुया 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 हालेलुया, कम ऑन एवरीवन, फिर से बुलंद आवाज से एक नया गीत दो तीन दिन पहले हमने YouTube पे पोस्ट किया,
सुभाष गिल ऑफिशियल पेज पे। ये गीत बहुत ही मीनिंगफुल गीत है, लेकिन समझने की जरूरत है इसको। कफारे में शिफा है, कफारे में बका है, कफारे में जया है, कफारे में वफा है। कफारा जो है ये दैट मीन्स अटोनमेंट। अटोनमेंट का मतलब होता है कि हमारी जगह पे हम जिस चीज को, जिस गुनाह पर गालिब नहीं आ सकते थे, और उस गुनाह को खत्म करने के लिए खुदाबंद यस्सु मसीह ने अपने खून से कीमत अदा करके हमें आजाद किया। ये है कफारा। आमीन। कफारा, कफारे में शिफा है। शिफा हम सब समझते हैं, क्योंकि बहुत से बहनों भाइयों के फोन आए मुझे, दे डिडंट अंडरस्टैंड सो मेनी वर्ड्स, तो मैं कहा चलो मैं थोड़ा सा इसको बिफोर वी गो। थैंक यू। बका का मतलब होता है जिंदगी। बका का मतलब लाइफ। कफारे में अगर कफारा खुदावंद यीशु मसीह अपने लहू से कीमत अदा करके अपने लहू को लेकर आसमानी बाप की हजूरी में वापस नहीं जाते, हेलो, वापस, थोड़ा सा रिस्पांस दे मुझे। खुदावंद यीशु मसीह अगर अपना लहू लेकर आसमानी बाप की हजूरी में वापस नहीं जाते तो क्या होता? नजात मुकम्मल नहीं होनी थी, और बाप की हजूरी में जिंदगी है। जब तक आदम जो था खुदा की हजूरी में, जब तक खुदा के जलाल में लिपटा हुआ, खुदा के उस हुक्म को मानता हुआ, खुदा के उस कलाम की बात पर गौर करता रहा, तो वो जिंदगी के शहर में जिंदा था। पहले आदम ने गुनाह किया और गुनाह की वजह से खुदा की हजूरी से आउट निकल गया, लेकिन दूसरे आदम खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लहू से कफारा दिया। लहू से कफारा दिया, लहू से कफारा देकर लहू से कीमत अदा की। कीमत क्या? किसी अपने बाप को कीमत नहीं उसने दी। हेलो, बाप को कीमत नहीं दी, बाप के हुक्म को माना है उसने, बाप को कीमत अदा नहीं की उसने। कीमत जो थी वो मुझे और आपको उस गुनाह से आजाद करने के लिए, जिस आदम ने अपने आप को शैतान के हाथों बेच दिया था, उसको अदा किया। कफारे में शिफा है, कफारे में बका है, जिंदगी जो है यीशु मसीह के खून के वसीले से। जब खुदावंद यीशु मसीह अपना खून लेकर बाप की हजूरी में दाखिल हुए, कफारा दिया गया, लहू से कीमत अदा की, और उस लहू की कीमत देने से दोबारा वापस बाप के साथ हमारी रिकंसिलिएशन, मिलाप जो था हुआ, और जिंदगी के दरवाजे खुल गए। जब हम उसी कफारे के लहू में लिपटते हैं, जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब उसके लिए अपने दिल के दरवाजों को खोलते हैं, भी ये गीत गाए थे हम, दिल दे बगीचे विच आ जा, ऐ यीशु प्यारे तू, कहिए, मेरे दिल दे बगीचे, हाँ, ऐ इस दिल नू कर ले अपना, एदा माली हो जाती। जब हम दिल के दरवाजों को खोलकर यीशु मसीह को अंदर आने की दावत देते हैं, तब वो फिर से
उसी बाग को जिसका बागबान और निगाबान आदम को बनाया था, लेकिन वो निगाबान नहीं बना, लेकिन ना ही बागबान बना, लेकिन आज खुदावंद यीशु मसीह को जब हम अपने दिल के इस बगीचे में अंदर आने की दावत देते हैं तो वो हमारी जिंदगी के इस बागे अदन का माली बनता है, बागबान बनता है, वो निगाबान भी बनता है, लेकिन कब? He become a gardener and he become a protector also. When you allow him to come inside the garden of your heart. जब आप अपने दिल के इस बाग में खुदावंद यीशु मसीह को अंदर आने की दावत है. When you open the door of your heart. जब दिल के दरवाजों को खोलते हैं, बहुत से लोगों के दिल के एक आपने पिक्चर देखी होगी, खुदावंद यीशु मसीह दरवाजे पर दस्तक देते हैं. यू माइट हैव सीन, एवरी वन ऑफ हैव सीन, जीसस इज स्टैंडिंग एट द डोर आउटसाइड एंड जीसस इज नॉकिंग फ्रॉम आउटसाइड. हेलो, जीसस इज नॉकिंग फ्रॉम, दैट मीन्स कि कुंडी जो है वो अंदर है. द बोल्ट इज इनसाइड. देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द नॉक एंड द ओपनिंग. हेलो, दस्तक का कनेक्शन जो है वो आपके रूहानी कानों के साथ है. दस्तक फिजिकल कान से आप सुनते हैं, ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है, फिर से सुन रहे हैं आप, क्या हो रहा है, सुन रहे हैं, कहां से, किस कान से, हां जी, नो, विच एयर इज दिस, दिस इज द फिजिकल एयर. कई बार फिजिकल कानों से भी हमें दस्तक नहीं सुनती, बट जीसस इज नॉकिंग एट द डोर ऑफ योर स्पिरिट. यीशु बहुत से लोगों के दिल के दरवाजों पर खटखटाते रहते हैं, रूहानी कान बंद होते हैं. ये कफारा जो दिया है खुदावंद ने उन रूहानी कानों को खोलने के लिए भी एक इंतजाम किया है खुदावंद ने. कफारे में शिफा है, कफारे में बका है. बका का मतलब कफारे में जिया है. जिया का मतलब होता है लाइट. Zia means light. There is light in the atonement of Jesus Christ of Nazareth. Amen. There is light. Say after me. There is light. Zor se. Phir se kahein. There is light in the atonement of Jesus Christ. Yesu ke kafare mein. जिया है, रोशनी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं. और फिर उन्हें जो उस पर ईमान लाकर अपने दिल के दरवाजों को खोलकर उसको अंदर आने की दावत देते हैं, वो ही नूर का रूह जो है वो आपके अंदर आता है और आप भी नूर बन जाते हैं. कफारे में जिया है और कफारे में वफा है. वफा इज फेथफुलनेस. आमीन. वफा का मतलब फेथफुलनेस. फेथफुल किससे रहा है? कफारा जो दिया वो शैतान ने जो ड्रामा किया
खुदावन को पुराने ऐतनामे की बात, इसको मैं अभी बाद में करता हूं। आई वॉन्टेड टू शेयर समथिंग एल्स, बट लेकिन ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। आमीन। कफारे में शिफा है, कफारे में जिया है, कफारे में बका है, कफारे में वफा है। आमीन। तो ये सब काम जो है ये किसने किए हैं? हाँ जी, यीशु मसीह ने, पर लहू के साथ। अब यीशु जो है, अब देखें, खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। We see in the atonement the love of God. खुदा के इस कफारे में खुदा की मोहब्बत नजर आती है। खुदा के कफारे में, मैं खुदा का कफारा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खुदा ही बेटा बन के आया। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा का खुदा था। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, वचन ही खुदा है। और इसी वचन के द्वारा, इसी कलाम के द्वारा सब कुछ बना। एवरी सिंगल थिंग वॉज क्रिएटेड, से क्रिएटेड। इसका मतलब यह है कि कलाम में, खुदा के हर कलाम में, जो खुदा के मुंह से जो कोई भी बोल निकलता है, कलाम निकलता है, उसमें रचने की, खलक करने की ताकत है। There is power to create in the word of God. There is power to create in the word of God. And the same word which is God became flesh for you and me to give that atonement, to become that atonement. वो ही कलाम जिसमें खलक करने की ताकत है, जो कलाम खुदा के साथ है, खुदा के साथ था, जो कलाम खुद खुदा है, वो ही मुजस्सम होकर, वो ही देह धार कर, वो ही जिस्म में, जिस तरह से मैं और आप खून और शरीर में पैदा होते हैं, इसी तरह से मेरा यीशु, आपका यीशु, इसी गुनाहगार बदन में आ गया ताकि इस गुनाहगार बदन को उस गुनाह की कैद से छुड़ाने के लिए, मौत की कैद से छुड़ाने के लिए, उस कब्र की कैद से छुड़ाने के लिए उसने आके अपने बाप की वफादारी की और कीमत अदा की, जो आदम ने अपने आप को शैतान के हाथों बेच दिया था और पल्यूट हो गई थी, सिन नेचर जो थी उसके अंदर आ गई। लेकिन थैंक गॉड फॉर जीसस क्राइस्ट। ओ, पहले आदम के वसीले से मौत, गुनाह और मौत जो थी वो आई और सारी दुनिया में फैल गई। लेकिन दूसरा आदम जो जिंदगी बख्शने वाली रूह है, बोले जिंदगी बख्शने वाली रूह। अब ढीले हैं बहुत, किनके पास जिंदगी बख्शने वाली रूह है? उस जिंदगी बख्शने वाली रूह ने बड़ी बुलंद आवाज के साथ सलीब के ऊपर कहा था, किसको बचाने के लिए? मुझे। अगर वो मरते दम तक उसके बदन में दम नहीं था, उसके बदन में खून की एक बूंद नहीं थी, उसके दम में, जिंदगी में, उसके बदन में ताकत नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी कहा कि ए बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और हमारे अंदर कोई ताकत ही नहीं है, बोले जिंदगी बख्शने वाली रूह, मेरा यीशु है और उसी का रूह मेरे अंदर बसता है, जिसने मेरे लिए अपने लहू की कीमत अदा करके मुझे गुनाहों की कैद से छुड़ाया है। अब देखें, इस गीत में कंपैरिजन है। उस मजबे की,
किस मजबे की बात कर रहा हूं? पुराने मजबे की। मजबा होता है दी ऑल्टर। मजबा इज व्हाट? ऑल्टर। पुराने मजबे जो ओल्ड टेस्टामेंट में मजबे तैयार करते थे, वेदी तैयार करते थे लोग, वहां पर वेदियों के ऊपर, मजबा के ऊपर लकड़ियां चिनी जाती थी, लकड़ियां चिनकर उसके ऊपर जानवरों की कुर्बानियां दी जाती थी। लेकिन बकरे और बछड़ों का लहू जो था वो मुझे और आपको आजाद कराने के लिए काफी ना था। बकरों और बछड़ों का खून मुझे और आपको आजाद करवाने के लिए तो एक ऐसे बर्रे की जरूरत थी जिसको यूहन्ना एक दिन जब यरदन की नदी के किनारे पर लोगों को बपतिस्मा दे रहा है और वो कहता है कि मैं तो तुम्हें तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन एक जो मेरे बाद आता है वो मुझसे कहीं जोरावर है, वो मुझसे मुकद्दस है, वो मुझसे मुकद्दम है, उसके जूतों की तस्बे खोलने के लायक नहीं मैं। कम ऑन, वो तुम्हें आग और रूह से बपतिस्मा देगा। और एक दिन इसी तरह से उदाहरण यीशु मसीह को यर्दन के किनारे पे वो बपतिस्मा दे रहा है और आंख उठाकर जब उसने खुदा यीशु मसीह की तरफ देखा और बड़ी बुलंद आवाज से कहा उसने कि देखो खुदा का बर्रा। किसका? कफारे के लिए। पुराने नेम में क्या होता था? जानवरों की कुर्बानियां दी जाती थी, लेकिन अब यूहन्ना देखकर कहता है कि देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा लिए जाता है। जहान के गुनाहों की बात नहीं है ये। लिसन केयरफुली प्लीज। मैनी पीपल दे मिसकोट। मैनी पीपल दे मिसकोट। दे से The Lamb of God took away the sins. It's not the sins. A singular sin. एक गुना। हेलो। देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुना। और उस जहान में कौन आता है? हम सब। खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की। जहान जो है सही मानों में जहान जो है द वर्ल्ड स्टार्टेड विद एडम। हेलो। सिन सिंगुलर। हेलो। सिन सिंगुलर। एक गुनाह। और एक गुनाह जो है अगर इसको हम इस दुनिया के साथ जोड़ते हैं तो एक गुनाह नहीं होना चाहिए। हेलो। कंफ्यूज हो गए लग रहे। तो पहला आदम जो है उससे दुनिया शुरू हुई। पहले आदम ने गुनाह किया। बोले पहले आदम ने गुनाह किया और गुनाह की वजह से मौत आई और मौत सारी दुनिया में फैल गई। और अब जो कोई दुनिया में आदमी और औरत के मिलाप से बच्चा पैदा होता है वो गुनाह में पैदा होता है। सीड किसका? कम ऑन, किसके तुख्मे से हम पैदा होते हैं? अब बहुत से लोग इसके कहने जी मेरे मां बाप का
जिस्म में हम अपने मां बाप के, लेकिन रूहानी तौर पे मैं और आप, रूहानी तौर पे दिस इज कॉल्ड अ जनरेशनल कर्स। हेलो, दिस इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज इन आवर जीन, डीएनए में है, वो डीएनए में गुनाह है। लेकिन अब खुदावत यस्सु मसीह वो मजबा जिस पर लोग बकरों और बछड़ों को चढ़ाते थे, अब ये मजबा जो है ये वो मजबा नहीं, और ना ही वो बर्रा, वो बैल गाय, वो भी नहीं है। लेकिन यहां पर मजबा भी फर्क है और कुर्बानी का बर्रा भी फर्क है, जिसका मजबा जो है वो समीप है और उस पे खुदा का बर्रा, जिसने अपनी जान की कुर्बानी देकर कफारा दिया, वो कफारा है। दिस इज दैट अटोनमेंट। उस कफारे के लहू में बहुत से लोगों को समझ, मुझे हैरानगी होती है, सही गीत जो है उसको कोई देखता नहीं है, सही गीत को कोई सुनता नहीं है। आई एम सो सरप्राइज्ड कि इस गीत में इतनी गहरी कलाम है। ये मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये गीत कलाम है और लोगों को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, लोग पता नहीं क्या सुनते हैं। दूसरे गीत सुनो, दिनों में लाखों के व्यूअर्स हो जाते हैं हमारे, अभी मेरा ख्याल 600 हुए हैं, सब 700। इट्स अ शेम ऑन पीपल दैट डोंट वॉन्ट टू रिसीव द राइट थिंग्स। खुदावंत के कलाम में लिखा है कि तब वो सच्चाई को जानेंगे और सच्चाई उन्हें आजाद करेगी, लेकिन आज के लोग सच्चाई को जानना नहीं चाहते, सच्चे कलाम को सुनना नहीं पसंद करते। गलतियों वाले गीत जो हैं वो बहुत सुनेंगे, गलतियों वाले गीत जो हैं, जिसके लिरिक्स में गलतियां हैं, बहुत लिरिक्स में गलतियां होती हैं, सुनते हैं सब। मैं एक, ये जो बातें मेरे अंदर से निकली हैं, थोड़ा दुखी होकर मैं कह रहा हूं, दुखी होकर इसलिए कह रहा हूं कि खुदावंद यस्सु मसीह को भी जो सच था उसको भी लोग सुनना पसंद नहीं करते थे, तो आज भी सच्चाई को सुनना पसंद नहीं करते हैं लोग। वो मजबा जो पुराने नेम में बनाया था, ये वो मजबा नहीं है। खुदावंद यस्सु मसीह का मजबा सलीब था। उस मजबे पे क्या चिना जाता था? लकड़ियां, बोले लकड़ियां। खुदावंद यीशु मसीह, फिर लकड़ियों के ऊपर जो कुर्बानी का बर्रा रखा जाता था, बैल रखा जाता था, किसके ऊपर? लकड़ियों के ऊपर। तो यीशु मसीह का बदन जो था वो कहां लटकाया गया? ये मजबा सलीब है, बर्रा ही तबीब है, ये मजबा सलीब है, बर्रा ही तबीब है। एक सेकंड। मुशीर अजीब है, सबका हबीब है, कफारे में शिफा, कफारे में बका है, कफारे में शिफा है, कफारे में बका। 114 निकालना जरा। कफारे में शिफा है, कफारे में बका है। Let's see if the beat is right. आइए खड़े हो जाए।
कफारे में शिफा है, कफारे में बका है, कफारे में दया है, कफारे में वफा है, कफारे में शिफा है, बका शिफा जिया, कफारे में बका, कफारे में शिफा है, कफारे में बका है, कफारे में दया है, कफारे में वफा है, कफारे में शिफा है, कफारे में बका है, कफारे में दया है, कफारे में बका है, कफारे में शिफा है, कफारे में बका है, कफारे में शिफा है, कफारे में उस मजबे का मजबाना मजबे जैसा उस कफारे का बराना परे जैसा, कुर्बानी का बराना परे जैसा, उस मजबे कुर्बानी का बराना बने जैसा, इस मजबे का बराना बने जैसा, कुर्बानी का बराना बने जैसा, ये मजबा सही पता ही तभी है, आपकी बारी है, मजबा सलीम है, उसकी तरफ चेक के कहें ये देखे करियो सिंबॉलिकली, जब हम अपनी आंख ऊपर उठाते हैं तो हम कोहे कंपनी की तरफ देखते हैं, कहां देखते हैं, और कोहे कंपनी जो है ये वो पहाड़ नहीं जहां पर लांगतियों को सलीब पर लटकाया गया था, वहां पर मेरे यीशु ने जो लानत से वाकिफ ना था, जो पाप से वाकिफ ना था, उसने मेरी लानत को, आपकी लानत को, मेरे पाप को, आपके पाप को अपने ऊपर लेकर उस सलीब के ऊपर जान दी और कहा सब कुछ तमाम हुआ, उस सलीब की तरफ लेके कहे ये मजबा सलीब, ये मजबा सलीब बता ही कभी, मुशीर अजीब है, मुशीर अजीब सबका हबीब है, मुशीर कफारे में शिफा, कफारे में बका, कफारे में मिलके, कफारे में शिफा, कफारे में बका, कफारे में दया, कफारे में वफा है, कफारे में शिफा, कफारे में बका है, कफारे में दया, कफारे खत दिए, कफारे में शिफा, कफारे में बका, कफारे में दया, कफारे में वफा है, कफारे में शिफा, कफारे में बका है, कफारे में दया, कफारे में वफा है, कफारे में शिफा है, कफारे में बका है, कफारे में बका, कफारे में दिया है, कफारे में शिफा है, कफारे में बका,
कफारे में यस Jesus, we honor the blood of Jesus, we honor the blood of Jesus, we honor the sacrifice of our Lord, we honor the sacrifice of the Lamb of God. थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए मैं आपके साथ हूं। जो आज कलाम हमने पढ़ा है इसके बतारे बिल्कुल इसी के साथ इसको मैं कनेक्ट करने वाला हूं। अगर खुदावी यीशु मसीह इस दुनिया में ना आते, खुदावी यीशु मसीह बपतिस्मा ना लेते, आमीन, खुदावी यीशु मसीह बियाबान में ना जाते, आमीन, खुदावी यीशु मसीह 3.5 साल वो सब लोगों के साथ जो बातचीत की, खुदावी यीशु मसीह जो लोगों को अच्छा करते रहे, खुदावन यीशु मसीह ने अपनी जान की कुर्बानी दी, सब कुछ किया, मर गए, दफन हुए, आमीन, मुर्दों में से जिंदा हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए और अपना लहू लेकर आसमानी बाप की हुजूरी में दाखिल हुए। हमारे लिए वो दरवाजे जो आसमानी दरवाजे जो आदम की वजह से बंद थे वो खुल चुके हुए हैं अगर खुदावन यीशु मसीह ना आते। So, हमारे लिए दरवाजे बंद रहते सर, सारी दुनिया के लिए, आमीन, लेकिन थैंक गॉड फॉर द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन, थैंक गॉड फॉर हिज फेथफुलनेस टू हिज फादर, आमीन। आज जो हवाला हमने पढ़ा है, सिर्फ 10 मिनट के लिए मैं आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर अ लिटिल थॉट कि खुदावन यीशु मसीह ने कफारा दिया। बोले कफारा दिया। खुदावन यीशु मसीह ने जो आदम के लिए, आदम से लेकर खुदावन यीशु मसीह के आने तक और खुदावन यीशु मसीह के आने के बाद भी, आज तक भी एक बियाबान का जिक्र होता है, एक वन विल्डरनेस इज बीन मेंशन्ड।
और वो विल्डरनेस जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने उस बियाबान को खुद उस बियाबान में से गुजरकर उस बियाबान को खत्म कर दिया हुआ है। आमीन। उस बियाबान को खत्म कर दिया हुआ है। वो बियाबान जो है वो सही मानों में जो आसमान और जमीन का फासला जो है, यू नो द डिस्टेंस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, बोले डिस्टेंस बिटवीन हेवन एंड अर्थ। अब डिस्टेंस बिटवीन हेवन एंड अर्थ को हम मीलों में गिन सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि आसमान की ऊंचाई को कोई नहीं जानता। हेलो, इवन जहाज भी जो है एक लिमिट तक जाते हैं। जो रॉकेट्स हैं जो, ये भी एक लिमिट तक जाते हैं। अपना जाएंगे एक लिमिट पे जाके लोग चांद पे जाते हैं, लेकिन चांद को बनाने वाला कौन है? खुदा। सूरज को बनाने वाला कौन है? जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको बनाने वाला कौन है? जमीन को किसने बनाया? लेकिन वो कहां रहता है इसका किसी को मालूम नहीं। खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं, खुदा यीशु मसीह के खुद अपने मुंह की बातें हैं कि जो ऊपर से आया है वो ही ऊपर के रास्ते को जानता है, जो वहां से आया वो ही वहां का रास्ता। लेकिन शुक्रगुजारी का करने का काम यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस विल्डरनेस को जो आदम के गुनाह की वजह से एक बियाबान बन चुका था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जिस्म में आए और खुदावंद यीशु मसीह ने हर तरह की तकलीफ को अपने बदन के ऊपर झेलकर, खुदा यीशु मसीह ने हर तकलीफ को अपने बदन के ऊपर झेलकर उसी बियाबान में से गुजरकर उस बियाबान को खत्म कर दिया, लेकिन बियाबान अभी भी है। आमीन। बियाबान अभी भी है। आज मैं आपको थोड़ी देर के लिए ये खुदावंद के कलाम में से जो हमने पढ़ा कि खुदावंद यीशु मसीह बियाबान में कब गए, मत्ती 3 बाप उसकी 16-17 जब हम पढ़ते हैं, व्हेन वी रीड इन द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 17 वी रीड ओवर देयर दैट जीसस केम टू जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आए और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कहा कि मुझे बपतिस्मा दे मुझे। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि ना, मुझे तुझसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात वहां पे की कि अब भी तो इसी तरह से होने दे, क्योंकि हमें किसको, खुदावंद यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मुझे, हेलो, मुझे नहीं बोला उसने, हमें। इसका मतलब यह है कि हमें में पानी के बपतिस्मे को करने के लिए किसी दूसरे बंदे की जरूरत है। हमें खुदा की रास्तबाजी को इसी तरह से, we have to accomplish together what द righteousness ऑफ God, खुदा की धार्मिकता को, खुदा की रास्तबाजी को इसी तरह से हम पूरा कर सकते हैं। और उसके बाद जब हम देखते हैं तो वहां से खुदा का रूह जो है, जब खुदावंद यीशु मसीह पानी से ऊपर आए, आसमान खुल गया और आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूं। अब खुदावंद यीशु मसीह ने दो काम किए यहां पे,
जो हम सबको सीखने की जरूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह ने, खुदावंद यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ था। कम ऑन, बहुत से लोग बैप्टिज्म के बारे में रॉन्ग टीचिंग देते हैं। मैं इसलिए ये बात मेरे जहन में आई है, मैं इसलिए कर रहा हूं। हाउ वॉज ही बॉर्न? कम ऑन, पाक रूह से पैदा हुए थे। व्हेन ही वॉज कंसीव्ड इन द वॉम्ब ऑफ मेरी, ही वॉज कंसीव्ड विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। रूह से पैदा हुए थे, रूह से। सेकेंड स्टेप वॉज द वॉटर बैप्टिज्म। हेलो, नॉट द फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप नहीं है। हेलो, किसी को कोई शक है? पहला स्टेप नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह अगर दुनिया से कहते हैं, लोगों को कहते हैं कि जब तक तू नए सिरे से पैदा नहीं होगा, खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता, तो खुदावंद यीशु मसीह खुद रूह से पैदा हुए। He was born by the Spirit of God first. पहले खुदा के रूह से पैदा हुए थे, लेकिन उसका नजात के साथ कोई ताल्लुक नहीं। नजात जो है, खुदावंद यीशु मसीह रूह से पैदा हुए, कफारा दिया, अपने लहू से कीमत अदा की और लहू लेकर आसमानी बाप की हजूरी में पेश किया, तब नजात का कॉन्सेप्ट जो था वो कंप्लीट होता है। मुक्ति तब तक नहीं मिल सकती थी, लेकिन आज बहुत से लोग जो हैं वो वॉटर बैप्टिज्म को कहते हैं, जिसने बपतिस्मा ले लिया वो बच गया। नो, कुरान में पढ़ो आप, जो ईमान लाए, मरकुस 16 बाप में, जो, जोर से बोले प्लीज, जो ईमान लाए बपतिस्मा ले। बपतिस्मा कहां पे आता है? ईमान पहले, ईमान, ईमान किस चीज पे? यूहन्ना 1:12 में के जितनों ने उसको कबूल किया, हेलो, जितनों ने उसको, किसको? खुदावंद यीशु मसीह को। एज मैनी एज रिसीव्ड जीसस क्राइस्ट एज देयर पर्सनल सेवियर। रिसीव, हाउ वी रिसीव हिम? जब हम ईमान लाते हैं, जब हम विश्वास करते हैं, थ्रू फेथ बाय ग्रेस वी आर सेव्ड। थ्रू फेथ, बोले थ्रू फेथ बाय ग्रेस, ईमान से, फजल के वसीले से हम बचते हैं। ईमान किस पे लाते हैं हम? यीशु पे। क्यों? क्योंकि यीशु ने उस गुनाह का कफारा दिया है। अब खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर ऊपर आए हैं, खुदावंद के आसमान खुल गया, आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। जब आप और मैं, हम में से कोई खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है, उसकी दस्तक को सुनकर अपने दिल का दरवाजा खोलता है, दैट इज ऑल्सो ए बैप्टिज्म। हेलो, व्हेन यू रिसीव जीसस क्राइस्ट एज अ पर्सनल सेवियर, दैट इज ऑल्सो बैप्टिज्म। इसको मैं समझाता हूं आपको। बैप्टिज्म का मतलब होता है, बैप्टिज्म इज अ ग्रीक वर्ड, इज बैप्टिजो। बोले बैप्टिजो। बैप्टिजो मीन्स टू बी फुली इमर्ज्ड, उसमें पूरी तरह से डूबना। बोले पूरी तरह से डूबना, पूरी तरह से डूबना। इब्रानी में इसका मतलब है कि जो ललारी होते हैं, द डायर्स, वो जब कपड़े को रंगते हैं
तो रंग के अंदर सफेद कपड़े को जब डुबोते हैं, अच्छी तरह से डुबोते हैं, तो जब उसको निकालते हैं तो उसका रंग तब्दील हुआ होता है। जब मैं और आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो उसके लहू के रंग में डूब जाते हैं, तो जब ऊपर आते हैं तो यीशु का रंग हमारे ऊपर है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। मैं यीशु में हूं, बोले मैं यीशु में हूं, और मैं उसके लहू के रंग में रंगा हुआ हूं। जो यीशु में है वो नई मखलूक है, उसमें उसका रंग चला हुआ है। दिस इज ऑल्सो अ बैप्टिज्म, दिस इज ऑल्सो अ बैप्टिज्म, आमेन। ये भी बपतिस्मा है, ये भी बपतिस्मा है। और जब ये बपतिस्मा है तो वॉटर बैप्टिज्म जो है, दैट इज नॉट नथिंग टू डू विद योर सॉल्वेशन। बहुत से लोग जो यीशु को कबूल कर लेते हैं, सपोज करें यीशु को कबूल किया हुआ मर जाए, बपतिस्मा नहीं लिया पानी का, तो दैट इज नॉट गोइंग टू होल्ड हिम फ्रॉम गोइंग टू हेवन। बपतिस्मा लेना जरूरी है, लेकिन अगर नहीं लिया हुआ पानी का बपतिस्मा, अगर नहीं लिया हुआ यीशु को कबूल किया हुआ है, लेना जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा लेना जरूरी है, अगर नहीं लिया हुआ मर जाए तो वो आसमान पे जाएगा। वाटर बैप्टिज्म इज टू फिजिकल, जो हमारा ये जिस्म जो है, हमारा ये जिस्म जो है इसके साथ ताल्लुक रखता है। वो जब मैं और आप पानी में डूबते हैं, जब मैं और आप पानी में डूबते हैं तो हम ये डिक्लेरेशन करते हैं, वी डिक्लेयर दिस थिंग। क्या डिक्लेयर करते हैं, किसको डिक्लेयर करते हैं? डिक्लेयर हम करते हैं शैतान को और उसकी स्पिरिट्स को, जितनी भी हवाओं में है। लोगों को डिक्लेयर नहीं हम करते, वी डू नॉट डिक्लेयर टू द पीपल, बट पब्लिकली वी डिक्लेयर इट टू द स्पिरिट वर्ल्ड। स्पिरिट वर्ल्ड को डिक्लेयर करते हैं, स्पिरिट वर्ल्ड को यह डिक्लेयर करते हैं, उस शैतान को कहते हैं शैतान सुन, कहे मेरे पीछे शैतान सुन, शैतान सुन, तूने मेरे रूह को और मेरे बदन को खत्म करने का इंतजाम किया था, लेकिन आज मैं शुक्रगुजारी करता हूं अपने मसीहा के लिए, जिसने अपने लहू का कफारा देकर मेरी रूह का इंतजाम किया। मेरी रूह जिंदा है, लेकिन आज जब मैं पानी के नीचे जाऊंगा तो मैं आज तुझे बताना चाहता हूं, जिस तरह से मेरा मसीहा मुर्दों में से जी उठा था, एक दिन मैं भी इसी तरह से जब मेरा यीशु बादलों के ऊपर आएगा, मैं कब्र में से उठूंगा और मेरा बदन जो है वो नया बदन बनेगा। That's the declaration at the time of baptism we do। बपतिस्मे के वक्त हम ये डिक्लेयर करते हैं, आमेन। फिर उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने आग और रूह के बपतिस्मे का जिक्र किया। ये तीन स्टेप है, पाक रूह की, आग के बपतिस्मे के बगैर। हम जब रूह से पैदा होते हैं, हमारी रिकॉन्सिलिएशन होती है बाप से, मिलाप होता है हमारा। वाटर बैप्टिज्म लिया, इसका मतलब यह नहीं है कि आप बच गए हैं, नो। एक सिस्टम को आप पूरा करते हैं। फिर पाक रूह की बैप्टिज्म को लेना बहुत जरूरी है। पाक रूह के बैप्टिज्म के बगैर मैं और आप गवाह नहीं बन सकते। बहुत से लोग जो हैं पाखरू की मामूरी के बगैर, भरपूर हुए बगैर, विदाउट गेटिंग अनॉइंटेड, विदाउट गेटिंग फिल्ड विद द फायर ऑफ द होली स्पिरिट, दे आर प्रीचिंग इंटेलेक्चुअली। हेलो, दे आर प्रीचिंग। पाखरू को होंठों से कहते हैं पाखरू पाखरू पाखरू, पाखरू के साथ कनेक्शन कोई नहीं। बहुत सी दुनिया ऐसी है, दे हैव नो कनेक्शन एट ऑल विद द होली स्पिरिट, नहीं है कनेक्शन। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने ये सारी चीजें खुद की हैं। और बियाबान जो है, दो मिनट में मैं इसको खत्म करूंगा,
बियाबान में खुदावंद यसु मसीह गए हैं तो खुदावंद यसु मसीह के बियाबान के हर बंदे को गुजरना पड़ता है। हम जब तक इस जमीन पर हैं, ये सबसे बड़ा बियाबान जो है ये दुनिया है। विल्डरनेस इज द इज दिस वर्ल्ड, बट दिस वर्ल्ड विच वी आर सिंबलाइजिंग एज अ विल्डरनेस, दिस इज अ ब्रिज टू हेवन। एक पुल है ये, इसमें से गुजर के इसके ऊपर से होके हमें आसमान तक पहुंचना है। अब विल्डरनेस में, मैं किसी के साथ कल बात कर रहा था, विल्डरनेस में हर किस्म के लोग हैं। बोले हर किस्म के लोग हैं, हर किस्म के लोग हैं, और खुदा को पता है। इवन बॉर्न अगेन लोग भी जो हैं उनमें भी किस्में हैं। विल्डरनेस में से जब गुजरते हैं, बहुत से लोग विल्डरनेस में, जैसे अपनी इसराइल की कौम जो थी विल्डरनेस में थी, पूरी की पूरी कौम जो है वो हर वक्त क्या करती रहती थी, बुड़बुड़ाती रहती थी, मॉर्निंग। आज भी ऐसे लोग हैं, बुड़बुड़ाने वाले लोग। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो हैं, जब वो विल्डरनेस में आते हैं, आप सुने प्लीज, जब व्हेन यू आर इन क्राइस्ट एंड यू आर गोइंग थ्रू अ विल्डरनेस एंड योर फोकस इज राइट इन द विल्डरनेस, जब आप विल्डरनेस में हैं, आप मसीह में हैं, और आपका मसीह के साथ आपके बियाबान में, आपके उजाड़ में, आपकी मुसीबत जो है, परेशानी जो है, ये बियाबानी है सब होते हैं। आपकी बीमारी में विल्डरनेस है, आपके कामकाज में प्रॉब्लम है, विल्डरनेस है, फिजिकली आपको कोई परेशानी तकलीफ है, विल्डरनेस है, आप घर में कोई प्रॉब्लम है, विल्डरनेस है, ये ऑल दीज विल्डरनेस। अगर आप मसीह में हैं और आपका फोकस जो है वो खुदा के साथ जुड़ा हुआ है और आप विल्डरनेस में से गुजर रहे हैं, तो उस विल्डरनेस में आप बुड़बुड़ा नहीं रहे, बल्कि खुदावंद के लिए, खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं, उसके नाम को ऊंचा करते हैं, फोकस आपका सही है। इसका मतलब ये हुआ कि इन द विल्डरनेस ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी, इन द विल्डरनेस ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी, गॉड is strengthening your faith. Hello? God is strengthening your faith. खुदा आपके बियाबान में आपके ईमान को मजबूत करता है। खुदा आपको उन परेशानियों से लड़ने की और उन परेशानियों से आगे निकलने का रास्ता दिखाने की हिकमत बख्शता है। God is strengthening your faith. बोले गॉड इज स्ट्रेंथनिंग माई फेथ। इफ आई एम इन विल्डरनेस, माई फोकस इज राइट एंड गॉड विल स्ट्रेंथन माई फेथ, गॉड विल फिल मी विद द विजडम एंड द स्किल टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स दैट आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम in my wilderness, but I thank God for the wisdom. I will overcome this wilderness. मैं इस बियाबान में से गुजर जाऊंगा क्योंकि मेरे यस्सु की हिकमत जो है वो मेरे अंदर है, मेरा यस्सु मेरे साथ है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू मौत के साय की वादी में से गुजरे, घबरा मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। विल्डरनेस में से खुदावंद यीशु मसीह ने, मैं और आप अपनी विल्डरनेस में सिर्फ और सिर्फ शैतान पर गालिब कैसे आ सकते हैं, विद द वर्ड ऑफ गॉड, कलाम के वसीले से आप अपने विल्डरनेस में शैतान की हर उस बात पर गालिब आ सकते हैं। यू कैन ओवरकम इफ यू नो द वर्ड ऑफ गॉड, ही नोज द वर्ड ऑफ गॉड, कम ऑन, उसको भी कलाम पता है और वो भी कलाम के वसीले से बात करेगा।
लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, खुदावंद यीशु मसीह को जब विल्डरनेस में उसने आजमाना शुरू किया, सबसे पहले आके उसको पता है कौन है ये, भाग के कंफ्यूज करना शुरू किया, क्या वाकई तू खुदा का बेटा है? इसी तरह से मुझे और आपसे भी कहेगा, बड़ी समझती है अपने आप को, बहुत समझता अपने आप को, खुदा के खून से खरीदी हुई है तू, खुदा के खून से खरीदा हुआ, उसके रूह से पैदा हुआ, खुदा का बेटा बेटी है तू, अब देख मैं क्या करता हूं। What do we need to do? यीशु मसीह के उस पैटर्न को फॉलो करने की जरूरत है। That is the wisdom in the wilderness, in the midst of your problems, in the midst of your problem. मुस्तईद मददगार कौन है मेरा? मुसीबत के वक्त मुस्तईद मददगार मेरा यीशु। पाखरू के वसीले से उसी वक्त, जिस तरह से खुदा यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह कि रोटियां बन जाएं, तो खुदा यीशु मसीह ने कहा लिखा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कमांडमेंट एंड द ऑर्डिनेंस। हेलो, कमांडमेंट एंड द हुक्म और आयन, फर्क है। हुक्म आयन दोनों हुक्म है, लेकिन हुक्म जो है इट कैन बी वर्बल, आयन भी वर्बल हो सकता है, लेकिन आयन कब बनता है? जब लिखा जाता है, कॉन्स्टिट्यूट, लिखा हुआ। खुदावंद यीशु मसीह ने लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी से ही जीता नहीं रहता, बल्कि हर एक उस वर्ड से जो खुदा के मुंह से निकला है। विल्डरनेस में मैं और आप जब खुदा के कलाम को आगे रखेंगे, फतह ही फतह होगी आपकी। यीशु के नाम में बरकत मिले आपको। आमीन। आमीन। इस वक्त मौका है कि हम नोटिस जो है उनको सुने, तो मैं भाई काशिफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और नोटिस जो है उनको हमारे दरमियान शेयर करें। भाई काशिफ। सबको सलाम, बड़ी देर बाद मुलाकात हुई है। हाँ, शुक्र है सब ठीक हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। अच्छा, मेरे आने का मकसद यहाँ पे ये है कि भाई सुहेल ने पहले हफ्ते आपको बताया था और के रिगार्डिंग अ चर्च बिल्डिंग, और सेकंड वीक में हमने आपको, थर्ड वीक में हमने आपको काउंट दिए थे। तो ये जो बिल्डिंग है, इसका हम जो है वो हदिया जो है चर्च को देते हैं, जो फिक्स है। उसके लिए हमें 20 बंदे भाई साहब ने कहा था चाहिए, जो 20-20 पाउंड एग्रीमेंट में करेंगे। और एग्रीमेंट का मतलब है कि परमानेंट एग्रीमेंट, यानी कि एक माह के बाद आप बंद कर दें। और काफ़ी पता चला है भाई साहब से कि काफ़ियों ने शुरू कर दिया है, उनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आपका, और आपके लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद आपके घरानों को और बरकत दे, और जिन्होंने नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि जल्द अज जल्द शुरू करें। और अगर आप स्टैंडिंग ऑर्डर या डायरेक्ट डेबिट नहीं लगा सकते, तो जीशन भाई यहाँ पर मौजूद हैं। भाई जान आप खड़े हों ज़रा, नहीं खड़े हों, उधर को मुँह कर लें। जिन्होंने नहीं देखा भाई जीशान को देख लें। इनको आप मंथली जो है 20 पाउंड इनको हैंड ओवर कर सकते हैं, वो आपका जो है रजिस्टर्ड होगा, वो उसमें फाइनल आपको साइन करके, तो वो पैसे जो हैं चर्च के फंड में चले जाएंगे। और अगर आपके पास अकाउंट अभी मौजूद नहीं है, तो आप अभी मुझसे भी ले सकते हैं, भाई साहब से भी ले सकते हैं, सुहेल भाई के पास भी मौजूद होगा, जीशान भाई, शहजाद भाई, सारों के पास मौजूद है। अगर आपको चाहिए तो ज़रूर हमसे रब्ता करें, उसी वक्त आपको मिलेगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। मैं पास्टर जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आए हदीय नज़ाने के गीत में हमें लीड करें। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने हदीय नज़ाने जो हैं वो खुदावंद की हुज़ूरी में पेश करें, और उसके साथ ही पास्टर जी जो हैं वो उसके बाद दुआए रबानी और कलमात बरकात से जो है वो हमें रुख्सत करेंगे। Hallelujah. Have you been blessed today?
जोर से खुदावन के लिए ताली बजाएं। अच्छा, जब आप अपने बीज बोदें, आपके हाथ खाली होंगे, तो बेशक खड़े होके यही गीत जो आज हमने गाया, मैं एक बार फिर से जितने भी फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस गीत को जितना शेयर कर सकते हैं करें, बिकम अ मिशनरी। आमीन। कफारे में शिफा है, कफारे में बका है, कफारे में जया है, कफारे में वफा, कफारे में शिफा है, कफारे में बका है, कफारे में जया है, कफारे में वफा है, कफारे में शिफा है, कफारे में बका है, कफारे में वफा है, कफारे में वफा है, कफारे में शिफा है, कफारे में वफा है, गफारे में शिफा, गफारे में बफा, कफारे में शिफा, कफारे में बका, मिलके गाएं, कफारे में शिफा, कफारे में बका, मास्टर थोड़ा देखा, कफारे में शिफा, कफारे में बका, कफारे में बका, ये कफारा यीशु के लहू से हुआ, 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 उस मसबे का मजबाना मसबे जैसा, इस मसबे का मजबाना मसबे जैसा, कुर्बानी का बलाना बने जैसा, उस मसबे का मजबाना बने जैसा, कुर्बानी का बलाना बने जैसा, इस मसबे का मजबाना मसबे जैसा, कुर्बानी का बलाना बने, इस मसबे का मजबाना मसबे जैसा, कुर्बानी का बलाना बने जैसा, ये मसबा सलीम बर्रा की तरफी, ये मसबा सलीम बर्रा की तरफी, मुशीर अजीब सबका तबीब है, कफारे में शिफा, कफारे में बका, कफारे में जया, कफारे में बका, कफारे में शिफा, कफारे में बका, कफारे में जया, कफारे में बका, कफारे में शिफा, कफारे में बका, कफारे में जया, कफारे में बका, कफारे में शिफा, कफारे में बका, कफारे में जया, कफारे में बका, कफारे में जया, कफारे में बका, कफारे में बका, कफारे में जया, कफारे में
हम इस बीज के लिए शुक्रगुजारी करें, खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद हमें सेहत तंदुरुस्ती अता करते हैं और हम खुदावंद के खेत में खुदावंद की हजूरी में अपने बीज लेके आते हैं और जैसे ही ये बीज मालिक के हाथों को छूता है इस पे बरकत आनी शुरू होती है। प्यारे खुदावंद, हम इस बीज को आपके हाथों में सौंपते हैं, इसको छुएं और खुदावंद इसकी बरकत जो आपके बेटों और बेटियों के लिए आपके आसमानी खजानों में आपने रखी हुई है वो खजाने खुल जाएं, मुबारक मुट्ठी खुल जाए और आपके बेटों और बेटियों की किसी भी जरूरत में कभी कभी ना आए, खत्ते भरे रहे, इनकी आंख आप पे लगी रहे, हर जरूरत आपसे पूरी होती रहे और इसी तरह से वफादारी के साथ ये बीज बोते रहें और बरकत हासिल करते रहें। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू। हम खुदावन की सिखाई हुई दुआ में हिस्सा लेंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है सिर्फ, जितने भी बहन भाई हैं, थोड़े सी फैमिलियां टाइम पे आती हैं तो टाइम पे आने का मतलब ये है कि अगर सपोज करें बहुत सी, मैं एक बात करने लगा हूं कि यहां पर जो भी हम करते हैं ये पाखरू की गाइडेंस में होता है सब कुछ। आमीन। कब क्या बात होनी है किसी को कुछ पता नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लेट आते हैं यू माइट मिस समथिंग। हेलो, हो सकता है वो बात आपके लिए हो तो आपने तो मिस कर दिया, आप लेट आए, तो लेट आना बंद करें, टाइम पे आए क्योंकि खुदा वक्त पे यहां पे होते हैं। आमीन। ये खुदा का काम है। अगर आपने एक टाइम फिक्स किया होता है कि नहीं ये इस जगह पे इस वक्त हम खुदा को मिलने आते हैं, तो खुदा टाइम से पहले वहां पे मौजूद होते हैं। हम अगर लेट हैं तो इसमें खुदा का कसूर नहीं है, हमारा कसूर है। अगर हम मिस करते हैं तो हम मिस करते हैं, तो टाइम पे आना शुरू करें ताकि हम कोई भी चीज जो है उसको मिस ना करें, जो बरकत हमारी है उसको हम पूरी पूरी बरकत को हासिल कर सकें। आइए खुदा की सिखाई हुई दुआ में हम हिस्सा लें, मिलकर कहेंगे, ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए और जिस तरह से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं आप भी हमारे कसूर हमें माफ करें, हमें आजमाइश पे ना पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक आप ही का है। आमीन। सब मिलके कहेंगे, अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सब के साथ और कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड गो इन पीस। सी यू नेक्स्ट वीक।